हम चौथे लेक्चर की तरफ आएंगे। आज हमारी स्टार्ट होगी 1931 से। 5 नवंबर 1931 में इमाम ने रेडियो के ऊपर एक तकरीर की थी और एक इमाम का मनपसंद मजमून था, वो था कि अगर मैं दुनिया का सरमुख्तियार होता तो क्या करता। इस सिलसिले में इमाम ने बिल्कुल आजादी के साथ ये बताया कि अगर मैं डिक्टेटर होता तो दुनिया के अंदर तालीम को कंपलसरी कर देता, असले साजी के ऊपर पाबंदी आयद कर देता। इस तरह की बातें इमाम ने बताई थी इस तकरीर की। तो ये तकरीर जो थी इफ आई वाज ए डिक्टेटर, ये आज भी हमारे पास यहां पर मौजूद है और इसको आप जरूर पढ़ना। 1932 के अंदर हथियार पर फैलाव पर पाबंदी आयद करने के सिलसिले में आप जिनेवा आए और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। इस इजलास में आपने यूरोप के लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, या तो यूरोप इंसान की मयारी हालत किस तरह दुरुस्त की जाए उसकी तालीम देने के लिए वो एशिया का उस्ताद बने, या उसको किस तरह तबाह कर दिया जाए उस किस्म की तालीम देने में तारीख में अपना नाम दर्ज कराए। खुलम खुला इमाम ने बताया कि या तो आप एशिया के लिए ये करो या इसको तबाह करने के लिए आप हिस्ट्री के अंदर अपना नाम दर्ज करो। 1932 के अंदर आपने हिंदुस्तान की तरफ से लीग ऑफ नेशन के अंदर शिरकत की थी और उस वक्त चीन और जापान के बीच में जो जंग थी उसको रोकने के बारे में इमाम ने एक प्रपोजल पेश किया था। 1932 में ही आपकी तबीयत कुछ नाजुक थी, उसके साथ साथ इमाम को कुछ काम भी थे, इसलिए 1932 में इमाम खुद ना आ सके बल्कि अपने फर्जंद प्रिंस अली सलमान खान को इस मैसेज के साथ हिंदुस्तान भेजा। इमाम ने मैसेज भेजा था, मैं हिंदुस्तान आने में बहुत खुश हूं लेकिन मेरे बदले मेरे प्यारे फर्जंद को भेज रहा हूं क्योंकि इस्लाम का मुस्तकबिल तकरार में है और इस्लाम के साथ इस्माइलियों का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। ऐसे हालात में एक कदम उठाने में गलती होगी जो नहायत खतरनाक साबित होगी। जैसे हजरत पैगंबर की वफात के बाद हजरत अली ने कुर्बानी दी थी वैसे मैं भी कुर्बानी दे रहा हूं। इंसान जात बेहतर हालत में आ सके इस बिना पर मैं फैसला कुन कोशिश में इस वक्त लगा हूं। और इस तरह इमाम ने प्रिंस अली सलमान खान को भेजा और प्रिंस अली सलमान खान इस तरह 5 दिसंबर 1932 में हिंदुस्तान आए इस मैसेज के साथ। 17 जनवरी 1933 के अंदर पेरिस के अंदर प्रिंस सदरुद्दीन की विलादत हुई थी। 1934 के अंदर इमाम हिंदुस्तान आए थे और बीकानेर के महाराजा ने इमाम को दावत दी थी, इसलिए इमाम 18 जनवरी 1934 में बीकानेर आए। यहां पर आपको 11 तोपों की सलामी दी गई थी। उसके बाद 21 जनवरी में आप कपूरथला आए।
आप रेल के जरिए आए थे तो रास्ते में जालंधर का जो स्टेशन था वहां से मुसलमानों का एक वक्त ने आपका इस्तकबाल किया और आपको साथ में लेकर ये लोग कपूरथला आए। उसके बाद आप कपूरथला की जामे मस्जिद के अंदर आए थे और वहां पर मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ी थी तो ख्वाजा हसन निजामी ने अपने अखबार मुनादी के अंदर कपूरथला के बारे में एक नोट लिखा है, इन्फॉर्मेशन लिखी है जो सुनने के लायक है। वो कहता है, हिज़ाइनेस सराफ़ खान महाराजा कपूरथला की दावत पर कपूरथला में तशरीफ फरमा हुए। उस वक्त हिज़ाइनेस को कपूरथला की जामे मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ। हिज़ाइनेस सराफ़ खान तुर्की रूमी टोपी ज़ेब-ए-सर फरमा हुए मस्जिद में तशरीफ लाए। खुतबे के दौरान इमामो खतीब जामे मस्जिद कपूरथला ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अंदर एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा है जो साहिब ज़ुल्फ़िकार खैबर शिकन मौला अली शेरे खुदा की औलाद से हैं। उनके बुजुर्गों ने करबला के रेतीले मैदान में अपनी गर्दनें इस्लाम की खिदमत के लिए पेश कर दी थी। आज हिज़ाइनेस आग़ा खान भी इस्लाम की खिदमत और मुसलमानों की खिदमत के लिए हमासन पोसा हैं। ये जब तकरीर खत्म हुई तब जामा मस्जिद के अंदर जो मुसलमान थे उन लोगों ने बार बार मिलकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए थे। 1934 में आपको बरतानिया के शहंशाह ने प्रीवी काउंसलर बनाया था। प्रीवी काउंसलर जिसको बनाया जाए तो वो अपने नाम के आगे राइट ऑनरेबल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जिसके नाम के आगे अगर राइट ऑनरेबल लफ्ज लिखा हुआ है समझ लेना कि ये प्रीवी काउंसलर है। 6 मार्च 1914 के अंदर इमाम रंगून आए और 20 मार्च 1934 में आप कोलंबो तशरीफ लाए। उस वक्त का सिलोन आज का श्रीलंका। कोलंबो के अंदर भी उस वक्त बहुत से इस्माइली भी थे, मुलाकात भी इमाम की दीदार हुए, लेकिन जो फरामीन है कोलंबो के वो अभी तक हमें नहीं मिल सके। लेकिन पता चला था कि कोलंबो के अंदर जो इमाम ने फरामीन किए थे वो पढ़ने के लायक थे, बहुत अच्छे फरामीन थे। कोलंबो के अंदर उस शख्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा और मैंने बहुत कोशिश की कि उस शख्स का नाम मुझे याद आ जाए कि बात यह थी कि एक सुन्नी मुसलमान था उसके बंगले पर इमाम कोलंबो तशरीफ फरमा हुए, 2 दिन तक उसके साथ रहे थे। जब इमाम शाम के वक्त वहां से रिटर्न हो रहे थे तो उस शख्स ने और उसकी बीवी ने मिलकर इमाम की हुजूर में लॉन के ऊपर बैठे हुए थे, इमाम की हुजूर में फ्रूट की एक बहुत बड़ी प्लेट पेश कर दी और अर्ज की कि हिज़ाइनेस साहब, आप अपना मुबारक हाथ इस फ्रूट की प्लेट के ऊपर रखिए। तब इमाम ने फरमाया, मैं अपना उल्टा हाथ इस फ्रूट की प्लेट के ऊपर रख सकता हूं लेकिन अपना सीधा हाथ इस फ्रूट की प्लेट के ऊपर नहीं रख सकता, क्योंकि ये हाथ मैंने इस्माइलियों को दे दिया है, ये हाथ सिर्फ इस्माइलियों के लिए है। इमाम ने फरमाया, तुझे नाराजगी ना हो इसलिए मैं अपना उल्टा हाथ रख सकता हूं लेकिन सीधा हाथ मैं नहीं रख सकता। इस तरह के बाद 30 अक्टूबर 1934 में ईरान के मशहूर शायर
ईरान के मशहूर सूफी शायर फिरदौसी के सत साला जश्न के मौके पर शिरकत की थी। इस जश्न के अंदर सर हारकोर्ट बटलर ने ऐलान किया कि सर आर खान फारसी जबान की स्कॉलरशिप के लिए 200 पाउंड का अतिया देने का ऐलान किया है। 4 जनवरी 1935 में आप बम्बे आए और 7 जनवरी आपने इस्माइलियों के साथ मिलकर ईद की नमाज पढ़ी थी। ये ईद की नमाज खड़क के जमात खाने में खुद इमाम ने पढ़ाई थी। 2 फरवरी 1935 के अंदर आप दिल्ली आए। रास्ते में आप बड़ौदा में कायम किया था और 4 फरवरी में आप दिल्ली आए। आप हिंदुस्तान के वायसरॉय जो थे उसके मेहमान थे और इमाम के ऑनर में बहुत सी ज़ियाफ़तें रखी गई थी। ख्वाजा हसन निजामी जिसका टाइटल है शमशुल उलेमा, इस शख्स को इमाम ने वायसरॉय लॉज में मिलने का टाइम दिया था लेकिन कुछ काम के सबब इमाम उससे मिल न सके और बाद में रात को डिनर में उसकी मुलाकात हुई। यानी इमाम की मुलाकात रात को डिनर के वक्त ख्वाजा हसन निजामी के साथ हुई थी। 18 फरवरी 1935 के अंदर उसने यानी ख्वाजा हसन निजामी ने अपने अखबार मुनादी के अंदर इसका एक नोट लिखा है और मैं समझता हूं कि ये भी बहुत सुनने के लायक है। ख्वाजा हसन निजामी ने खुद लिखा है, आज रात को मिंबरान असेंबली ने रिजाइने सराह खान को खाने की दावत दी थी जो बहुत शानदार दावत थी। अंग्रेज हिंदू मुसलमान सब के सब थे। मियां मोहम्मद रफीक आज भी मेरे बराबर थे। रिजाइने सराह खान ने मुझसे कहा कि आज मैं आपसे मिलना बहुत जरूरी समझता था मगर काम इतना था कि दिन खत्म हो गया और मुलाकात न हो सकी। उस वक्त मेरे दिल में आया कि खुदा आज आफ्ताब को 2 घंटे तक ग्रुप न होने दे तो मैं बकिया काम भी पूरा कर लूं और आपसे मुलाकात भी हो जाए। मैंने जवाब दिया यानी ख्वाजा हसन निजामी ने जवाब दिया, आपके दादा हजरत अली के लिए आफ्ताब ग्रुप होने से रुक गया था, अगर आप दुआ करते तो आज भी आफ्ताब 2 घंटे ग्रुप न होता। ये ख्वाजा हसन निजामी का ईमान, इससे आप अंदाजा लगाइए कि ख्वाजा हसन निजामी को किस कदर इमाम से मोहब्बत थी। मुझे 2 दिन पहले अली भाई मिशनरी वजीर का टाइटल है उसको अली भाई दाया ने मुझे बताया था कि ख्वाजा हसन निजामी अपने मुरीदों के सामने हजरत इमाम सुल्तान शाह के पांव पर गिर गया था। पांच जून आपका जो एक गोरा था बहराम उसने डर्बी जीती थी। इस सिलसिले में बरतानिया के शहंशाह जॉर्ज पंजम ने आपको एक डिनर दी बकिंगहम पैलेस में। ये वो महल है जहां पर इमाम की 19-20 साल की जब उम्र थी और विक्टोरिया की 80-82 साल के करीब उम्र थी कि जब इसी महल में इमाम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर बिठाया गया था।
बकिंघम मेल के बारे में अभी अभी आपने रेडियो पर सुना होगा कि करीब करीब 40 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है और एक एकड़ में तकरीबन 4,840 मुरब्बा गज है। इसके 600 कमरे हैं और 10,000 के करीब इसकी खिड़कियां हैं। कहा जाता है कि इस कदर कॉम्प्लिकेट महल है कि एक मरतबा महारानी अपने घर से जब बाहर निकली, यानी एक रूम से दूसरे रूम में जब गई तो भूल गई कि मेरा रूम कौन सा है। उसको अपने रूम तक पहुंचने में 3 घंटे लगे तलाश करते करते। तो ये था बकिंघम पैलेस जहां पर इमाम सुल्तान शाह को जॉर्ज पंजम ने डिनर दी थी। 1935 में आपकी मेहनत से सिंध को बंबई से अलग किया गया था। ये आपकी मेहनत थी इमाम की, इसकी वजह से सिंध को बंबई से बिल्कुल अलग कर दिया गया, क्योंकि मुसलमान चाहते थे कि सिंध बॉम्बे से अलग हो जाए और हिंदू लोग चाहते थे कि सिंध अलग न हो। जब ये अलग हुआ तो बहुत से अखबार नवीसों ने, मुसलमानों ने इसके बारे में अच्छे अच्छे अल्फाज लिखे। मोहम्मद हाशम गजदत ने उस वक्त 1935 में अखबार में लिखा, वो कहता है कि मैंने इमाम से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इलाके सिंध में पहले गवर्नर की हैसियत से आओगे तो हम सिंधी लोग बहुत खुश होकर फख्र करेंगे। तब आपने जवाब दिया, माई फ्रेंड, आई हैव नो डिजायर टू बी अ गवर्नर बट आई एम ए गवर्नर मेकर। मेरे दोस्त, मुझे गवर्नर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं बल्कि मैं खुद गवर्नर बनाने वाला हूं। शाहनवाज भुट्टो साहब ने इमाम के लिए ये अल्फाज लिखे। ज़ाइनेट सराह खान साहब को मैं इस्लाम की तमाम खूबियों के ताज की हैसियत मानता हूं। सर फिरोज खान नून ने लिखा इमाम के लिए, मगरबी इलाकों में इस्लाम के लिए ज़ाइनेट सराह खान ने इतना कुछ किया है जिसमें हिंद के मुसलमान उनके बहुत एहसान मंद हैं। आप खामोशी से बगैर मगरूरी से काम करते हैं। हाजी सर अब्दुल्ला हारून ने आपके लिए ये अल्फाज उस वक्त कहे, आपने अपनी कौम या मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी इस्लामी आलम के लिए जिंदगी डिवोट की है। सिंध आपकी जाए विलादत की बिना पर नहीं बल्कि सिंध को अलग करने में आप हजरत की बेपनाह और बेशुमार कारनामों में भी सिंधी लोगों को फख्र करना चाहिए। इसी साल 1935 के अंदर सिंध के गांव में जहां पर 800 के करीब इस्माइली रहते थे और उन लोगों ने एक कॉलोनी बनाई इमाम के नाम की, जो आज तक सुल्तानाबाद कॉलोनी के नाम से मशहूर है। 16 अगस्त 1935 आपकी इमामत के 50 साल मुकम्मल हुए। इस वक्त आपकी 58 साल की तकरीबन उम्र हो चुकी थी। इस सिलसिले में इस्माइली जो अभी तक फर्श पर पड़ी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता अर्श की तरफ आ रही थी, उरूज में थी, इसलिए इमाम की इजाजत से इस्माइलियों ने इमाम को सोने से तोलने का इरादा जाहिर किया जिसको इमाम ने कबूल फरमाया। इमाम ने लंदन से एक टेलीग्राम भेजा कि ये जुबली 21 जनवरी 1936 में मनाई जाए। पहली तारीख जो कंफर्म तारीख इमाम ने भेजी थी 21 जनवरी 1936। इस सिलसिले में इस्माइलियों ने दियाखान ऑल इंडिया गोल्डन जुबली कमेटी बनाई थी और इसका पहला इजलास वारी में अवा हॉल के अंदर मुनक्कद की गई थी। का पहला इजलास था वाड़ी के अंदर हॉल में और इसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी इसका इब्तदा लेडी अलीशा ने किया था जो उस वक्त पूना से आए थे।
गोल्डन जुबली के सिलसिले में जो इमाम इस्माइलियों को जो फंड की जरूरत थी, इसके बारे में आपने सुना होगा कि पीर सबदली ने बहुत सी मेहनतें की थी और एक कोने से दूसरे कोने हिंदुस्तान में गए, जमात खानों में वाइज किया, गोल्डन जुबली की अहमियत समझाई और लोगों को यह बताया कि आज मौका है कि हम इमाम की आंखों को ठंडी करें, इमाम को खुश करें और सोने से तोले। इस तरह 5 लाख रुपया उस जमाने के मुताबिक आप अंदाजा लगा उसे 5 लाख रुपया इसने जमा किए गोल्डन जुबली के लिए। इसी दौरान यानी 17 नवंबर 1935 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको प्रो चांसलर की हैसियत मुंतखब किया गया था। अब इमाम 10 जनवरी 1936 में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। गोल्डन जुबली जिसकी कंफर्म तारीख थी 21 जनवरी 1936, लेकिन उस वक्त बर्तानिया का शहंशाह शहंशाह जॉर्ज पंजम की हालत जरा नाजुक थी, इसलिए इमाम ने तारीख चेंज कर दी और 21 की बजाय इमाम ने 19 जनवरी मुकरर की। यहां पर जरा सोचने की बात है, आप खुद समझ जाओगे कि पहले 21 जनवरी और बाद में 19 जनवरी, यानी दो दिन पहले इमाम ने ऐलान किया कि 19 जनवरी 1936 में मेरी गोल्डन जुबली होगी। ये गोल्डन जुबली बॉम्बे में हसनाबाद में हुई थी और यहां पर 40,000 के करीब इस्माइली आए थे, पूरे हिंदुस्तान से आए थे, बर्मा से आए थे, सिलोन से आए थे और ईस्ट अफ्रीका से भी लोग आए थे। पीर सदरदीन ने इस सिलसिले में फरमाया था, एजी एना काने कुंडल मुगट शोबे तलख तोरान बांध से विश्व ने वरदान दई ने कायम कन्या परण से, यानी सिर पर ताज की तरह रेशमी पगड़ी पहनकर मेरा मौला शानदार स्टेज पर बैठा होगा और दुआएं देगा। और यही हुआ कि इमाम रेशमी पगड़ी पहनकर यहां पर आए थे। ऑल इंडिया गोल्डन जुबली कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट वजीर गुलाम अली जी मर्चेंट ने अंग्रेजी में इस्माइलियों की तरफ से एक एड्रेस पेश किया और उसके बाद इमाम ने अपनी तकरीर की। इस तकरीर के अंदर इमाम ने ऐलान किया कि ये जो सोना है इससे स्कॉलरशिप, तालीम और तरक्की के लिए अलग अलग इदारे बनाए जाएंगे और इस तरह इमाम ने फरमाया कि ये तमाम का तमाम सोना इस्माइलियों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इमाम ने अपनी इस तकरीर के दौरान इन लोगों को मुकरर किया एक कमेटी की सूरत में कि ये कमेटी में बनाता हूं और इस तरह ये गोल्ड जो है सोना है ये कमेटी का काम है कि किस तरह तालीम वगैरह में खर्च किया जाए। तो कमेटी के मेंबर इमाम ने अपनी तकरीर में इनको मुकरर किए, मिस्टर गुलाम अली मर्चेंट, मिस्टर रहमतुल्ला एम चिनाई, मिस्टर कासिम अली मंजी नथुबाई, मिस्टर अली मोहम्मद मगलाई और मिस्टर इस्माइल जाफर। और इस तरह सेरेमनी शुरू हुई। ये आपने फोटो में देखा होगा कि एक तराजू है और उसके दो पल्ले हैं और पल्लों के ऊपर रेशमी गति बिछाई हुई थी, एक में इमाम बैठे थे और दूसरे में गोल्ड रखा गया। इस तरह इमाम का वजन 9,500 तोला हुआ। 9,500 तोला जिसकी कीमत उस वक्त के मुताबिक 3,35,000 रुपए के करीब थी। इतना गोल्ड हिंदुस्तान में मिलना जरा मुश्किल था, इसलिए ये तमाम सोना
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे ब्रांच से अरेंज किया गया था। ये गोल्डन जुबली के बाद या इसके दौरान बहुत से लोगों ने मुबारकबादी के पैगाम भेजे थे इमाम को। उसमें से शहनशाह जॉर्ज पंजम ने एक मैसेज भेजा, उस लेटर के ऊपर तारीख थी 18 जनवरी 1936 शाम 6:15 बजे। उसने मैसेज भेजा और गोल्डन जुबली के वेरी सेकंड डे सरकारी तौर पर लंदन से जो बुलेटिन शाये होती है उसमें ऐलान किया गया कि शहनशाह की वफात हो गई है 20 जनवरी 1936 रात 11:55 पर। आप इससे ही अंदाजा लगा लो कि वफात हुई 20 तारीख को। पहले डेट कंफर्म की थी इमाम ने 21 जनवरी, फिर इमाम ने फरमाया नहीं 19 को, क्योंकि इमाम को मालूम था कि 20 को की वफात हो जाएगी और अगर 20 को वफात हो जाएगी तो 21 को ये गोल्डन जुबली मनाना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए इमाम ने 19 तारीख को मनाने का ऐलान किया था। जब वहां से खबर आई लंदन से और हिंदुस्तान में जब ये बातें फैली कि जॉर्ज पंजम का इंतकाल हो गया, इमाम ने तमाम इस्माइलियों से हिदायत की कि जितना भी जो प्रोग्राम है सबको पोस्टपोन कर दो और जितने भी जो प्रोग्राम वगैरह है उसको बिल्कुल खत्म कर दो। इसके बाद 17 फरवरी 1936 में आप दिल्ली आए। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के जो मुस्लिम मेंबर है उन्होंने इमाम को एक डिनर दिया। सर मोहम्मद जफरुल्ला खान चौधरी ने उस वक्त एक तकरीर की। उसकी तकरीर के अंदर ये अल्फाज यानी सुनने के लायक है और मैंने अपने अगले लेक्चर के अंदर भी इसका जिक्र किया था, आपको समझ आओगे। वो कहता है, आज से तकरीबन 25 साल कबल लाहौर में सराह खान की गाड़ी खींच के ले जाने में दूसरे तुलबा के साथ वहां की गवर्नमेंट कॉलेज के एक तुलबा की हैसियत से कितनी उमंग से शामिल हुआ था उसके पेश नजर उस वक्त के लोगों का जज्बा किस कदर ज्यादा था वो साबित होता है। 21 फरवरी 1936 में आप रामपुर आए और यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का 47वां इजलास हो रहा था, उसमें इमाम ने सदारत की थी। 13 मई 1936 में आप शहनशाह एडवर्ड एट से मुलाकात की और उसी दिन इमाम को रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स का फेलो मुकर्रर किया गया था, यानी रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स जो है उसके इमाम को फेलो बनाया गया। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर बॉम्बे के लोगों को चांस मिला, इस तरह अब अफ्रीका के लोगों की किस्मत खुल गई और इस तरह आपकी दूसरी गोल्डन जुबली अफ्रीका के शहर नैरोबी में मनाने का ऐलान हुआ और उसकी कंफर्म तारीख इमाम ने 1 मार्च 1936 बताई थी। यहां पर भी दूसरे मुमालिक से लोग आए थे, खासकर के इस्माइली, और सब मिलकर कोई 18,000 के करीब थे। गोल्डन जुबली का जो स्टेडियम था बहुत शानदार था और कहा जाता है कि 45,000 शिलिंग सिर्फ इस स्टेडियम बनाने में लगे। कीनिया का एक्टिंग गवर्नर हिज एक्सलेंसी इसने गोल्डन जुबली की इब्तिदा की। उसने सबसे पहले पल्लों के अंदर स्टोन रखा और इस तरह सेरेमनी स्टार्ट हुई थी। यहां पर आपका वजन 3,200 औंस हुआ था या 9,300 तोला वजन हुआ था, जिसकी कीमत 22,700 ब्रिटिश पाउंड थी।
ये तमाम का तमाम सोना अफ्रीका के इस्माइलियों के लिए खर्च किया गया था और उसके बारे में आपने ऐलान भी किया था। एक इस्माइली लीडर ने आपके पास आकर एक अर्ज की, मौला अब वो वक्त करीब बताओ कि आप सरकार का ताज व तक हम मुरीदों पर सदा कायम व कायम रहे और हमें वो वक्त आंखों से और हम वो वक्त आंखों से देखे जब आपको हम हीरों से तोलने में कामयाब हों। इमाम ने जवाबन फरमाया, इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा और तुम हमें हीरों से जरूर जरूर व जरूर तोलोगे। मैं दुआ करता हूं कि तुम सब सुखी व आबाद रहो। September 13, 1937 में जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी। यह 18th मीटिंग थी और यहां पर नए सदर के सिलसिले में इलेक्शन हुए थे और इस तरह 50 में से उन 50 वोट हजरत इमाम सुल्तान शाह के हक में डाले गए थे और इस तरह इमाम लीग ऑफ नेशन के सदर बने। 1937 में दिसंबर में ख्वाजा हसन निजामी ने अपने अखबार जो दिल्ली से शाया होता है उसका नाम है मुनादी, उसके अंदर एक चीज लिखी है, ये लिखी थी उसने हकीकत में दिसंबर 1937 में। वो कहता है, आप जरा इसको गौर से सुनना, 10 साल पहले मैंने एक खुश दीदा इस्माइली मुसलमान से सुना था कि हमारे हाजर इमाम हिजाइन सराह खान यूरोप में इस वास्ते रहते हैं कि यूरोप के सब बादशाह उनका अपने ताज व तख्त पर साया चाहते हैं। उस वक्त मुझे ये बात महज एक खुश एतकाद की बात मालूम हुई थी क्योंकि मैं जानता था कि यूरोप के बादशाह अपने ईसाई मजहब के पेशवा पोप को भी नहीं मानते और पोप की बरकत का साया भी नहीं चाहते बल्कि मजहब और अहले मजहब के साये से भी भागते हैं। तो वो एक मुसलमान मजहबी पेशवा की बरकत का साया क्यों कर चाहते होंगे। मगर 10 साल बाद ईस्वी सन 1937 में यूरोप से खबर आई कि इजाने सराह खान को तमाम यूरोप के बादशाहों की लीग ऑफ नेशन के सदर बनाए गए हैं। तो मुझे वो 10 साल की पुरानी बात याद आ गई कि यूरोप के बादशाह हमारे हाजर इमाम की बरकत का साया चाहते हैं, उस वास्ते हमारे हाजर इमाम यूरोप में ज्यादा रहते हैं। तब मैंने अपने उर्दू अखबार मुनादी दिल्ली और अपने रोजनामे में कई नोट इस वाक्य पर लिखे थे और सर आहान की इस इज्जत को तमाम एशिया की इज्जत और तमाम हिंदुस्तान की इज्जत और सब मुसलमानों की इज्जत तस्वीर किया था क्योंकि यूरोप के बाशिंदे और यूरोप के बादशाह किसी एशियाई को और किसी मुसलमान को अपना सदर नहीं बना सकते थे जब तक कि कोई खास वजह न होती। खास वजह यही समझी जाएगी कि यूरोप में हसद बहुत है और कोई यूरोपियन ताकत ये गवारा नहीं कर सकती थी कि उनका सदर यूरोप के कौम का आदमी हो। इस वास्ते उन्होंने एक एशियाई को और एक मुसलमान को अपना सदर बनाया और अपना सदर बनाना मुनासिब समझा। मगर मेरा ख्याल ये है कि दुनिया के हर जाहिरी सबब की एक बातूनी वजह हुआ करती है, बस मजकूरा सबब की वजह भी ये है कि हिजाइन सराह खान फातमी नस्ल से हैं और फातमी नस्ल से बहुत सी गायबी कुवतें कुदरत ने रखी हैं जिन्हें नई दुनिया का साइंस अब तक पूरी तरह समझ नहीं सका। लेकिन वो वक्त करीब है कि साइंस को मानना पड़ेगा कि बाज नस्लों में ऐसी पोशीदा कुवतें होती हैं जो दूसरी नस्लों में नहीं। हिजाइन सराह खान का सदर बनाया जाना यानी फातमी और उनसे मोहब्बत करने वालों की आला शान का एक आला मजाहिरा है और वो वक्त दूर नहीं रहा कि बनी फातमी की दीनी और दुनियावी बरकतों से
यूरोप और एशिया और अफ्रीका और अमेरिका के सब औरत व मर्द बाशिंदे फायदा उठाएंगे। यह लीग ऑफ नेशन में इससे आपने अंदाजा लगाया कि 1927 में कभी किसी इस्माइली से पूछा होगा कोई सवाल, तो इस्माइली ने बताया होगा कि हमारे इमाम इसलिए रहते हैं, तो वहां पर यूरोप में रहते हैं कि यूरोप के जो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, वो हमारे इमाम का साया चाहते हैं। लेकिन इसका कहना है कि जब 1937 में मुझे यूरोप से खबर आई, तब मुझे वो 10 साल पुरानी बात याद आ गई और इसके ऊपर इसने एक नोट लिखी। 28 सितंबर 1937 में लीग ऑफ नेशन के सदर की हैसियत लीग ऑफ नेशन की नई बिल्डिंग की आपने इक्तदा की। उसके बाद लीग ऑफ नेशन के सदर की हैसियत से आप जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। ये मुलाकात बचरेस्ट गार्डन में हुई थी जो हिटलर की कयामगाह है। उसके बाद इमाम बर्लिन की मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए। वहां पर एक शरबती मौलवी से इमाम की मुलाकात हो गई और उस मौलवी ने आपसे अर्ज की कि हिजाइने साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, अगर आप इजाजत दो तो मैं आपसे कुछ सवालात करूं। ये शख्स अरबिक ड्रेस के अंदर बिल्कुल टिप टॉप था और इमाम के पास आकर इसने सवाल किए और उसने पूछा, हिजाइने साहब, आपको मालूम भी होगा और दुनिया को भी मालूम है कि आप सैयद हो और आप रसूल की नस्ल से ताल्लुक रखते हो, उसके बावजूद आप ये क्रिश्चियन का लिबास क्यों पहना है? ये तो काफर का ड्रेस है। तब इमाम ने उसका जवाब दिया कि तुम्हें मालूम है कि रसूल के साथ जंग करने वालों का लिबास मुझे बताओ कि तेरे जैसा था या मेरे जैसा था। हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन के सामने जंग करने वाले जो लोग थे उसका लिबास तुम्हारी तरह था या मेरी तरह था? अब मुझे बताओ कि काफर का लिबास तुम्हारी तरह है या मेरी तरह है? अब तुम ही बताओ कि काफर का लिबास तुमने पहना है या मैंने पहना है? वो फौरन इमाम से माफी मांगी और वहां से चला गया। ख्वाजा हसन निजामी ने 25 सवाल हिजरी सन 1342 के अंदर 1342 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था। वो कहता है इसका एक पीस, जब इनके लिबास को अंग्रेजी देखा जाता है, जब इनके रहने सहने की हालत बिल्कुल अंग्रेजी पाई जाती है, तो वो लोग जो सिर्फ मजहबी लिबास और मजहबी माशरती ही को मजहब समझते हैं बहुत घबराते हैं, मगर इनको मालूम होना चाहिए कि मजहब कपड़ों का नाम नहीं है। उसके बाद आप लीग ऑफ नेशन के सदर की हैसियत ब्रिटिश शहंशाह एडवर्ड एट से मुलाकात की थी। ये ब्रिटिश एम्परर एडवर्ड एट यानी साबिक शहंशाह से मुलाकात की थी। फिर 4 नवंबर में आप ब्रिटिश शहंशाह जॉर्ज 6 से मुलाकात की थी और 23 नवंबर 1937 में आप हिंदुस्तान वापस आए। यहां पर बॉम्बे में बोरियों का हेड मुलाजी सैयदना ताहिर सफरुद्दीन ने 12 दिसंबर 1937 में अपने घर पर इमाम को एक डिनर दिया था। 10 जनवरी 1938 में आप अलीगढ़ आए और वहां पर आप अलीगढ़ आए प्रो चांसलर की हैसियत से वहां आए थे, क्योंकि इसके पहले आपको प्रो चांसलर बनाया गया था, इस तरह आप यहां पर प्रो चांसलर की हैसियत से आए थे और वहां पर कन्वोकेशन भी हुआ था और आपने एक तकरीर की थी कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खेतीबाड़ी और मिलिट्री कॉलेज के कायम के लिए
मैं अपने तरफ से 1,00,000 का अतिया देता हूं। और इस तरह इमाम ने यहां पर 1,00,000 का अतिया दिया। एक बात यहां पर कहनी है और वह है इमाम की वालिदा लेडी अलीशा। जैसा कि आपको मालूम है कि इमाम ने यूरोप का पहला दौरा 1898 में किया था। तब इमाम अपनी वालिदा से इजाजत लेने के लिए पुणे गए थे। तब वालिदा के आंखों में, मां की आंखों में पानी आ गए थे और उसने इमाम से फरमाया, अपने बेटे से फरमाया, मौत बरहक है लेकिन तुम्हारी गैरहाजिरी में अगर मौत हो जाएगी तो मेरे लिए न काबिले बर्दाश्त होगी। इसके जवाब में इमाम ने फरमाया था, तुम फिक्र मत करो, उस वक्त तेरा सर मेरी गोद में होगा। यानी मां को यह फिक्र थी कि कभी यूरोप में जाता है, कभी अफ्रीका जाता है, कभी कहां जाता है और मेरी वफात हो जाए तो मैं चाहती हूं कि मेरा सर मेरे बेटे की गोद में हो। तो इमाम ने 1898 में अपनी मां से वादा किया था कि वो वक्त आएगा तो ऐसा ही होगा जो तू चाहती है। इस वक्त यानी मैं बात कर रहा हूं 1938 की, यानी 40 साल हो चुके थे। इमाम की वालिदा उस वक्त बगदाद के अंदर रहती थी। 5 फरवरी 1938 शाम 5:15 पर इसकी वफात हुई थी। लेकिन उसके 1.25 घंटे पहले 3 बजे इमाम का प्लेन खराब हो गया, बगदाद में प्लेन उतरा। रिपोर्ट ये मिली कि प्लेन खराब हो गया, उस वक्त इमाम कहीं और जा रहे थे और प्लेन खराब हो गया। बगदाद से इमाम उतरे और फौरन 3 बजे अपनी वालिदा के पास गए और 3 से लेकर तकरीबन 5:15 तक इमाम की गोद में उसकी वालिदा का सर मुबारक था। और 40 साल के बाद तकरीबन ये जो इमाम ने वादा किया था वो इमाम ने इसको निभाया। इस सिलसिले का एक और मिसाल मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद सुनाता हूं। एक बात मैं कैसे भूल गया कि मेमोरीज ऑफ आखान में इमाम ने फरमाया कि मेरी वालिदा जो है उसने अपनी जिंदगी में प्रिंस करीम आगा खान को और प्रिंस अमीन मोहम्मद को कभी नहीं देखा था। वो नैरोबी में रहते थे और मदर जो है वो पुणे में रहती थी, लेकिन उसके बारे में सब मालूमात उसको दी जाती थी लेकिन हयाती में उसने नहीं देखा। इसी साल लाहौर की बादशाही मस्जिद की मरम्मत के लिए इमाम ने 20,000 रुपये का डोनेशन दिया था, लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है उसकी रिपेयर के लिए। 25 जनवरी 1939 बॉम्बे में आपने देशी व्यापारी मंडल की 21वीं सालाना मीटिंग में शिरकत की थी। वहां बॉम्बे का मिनिस्टर MBG खैर वगैरह वहां पर आए थे, लेकिन जो नया प्रेसिडेंट था JC सेटलवर्ड ने अपनी तकरीर के अंदर ये अल्फाज कहे। वो कहता है, यानी JC सेटलवर्ड, आज हिंदू मुस्लिम के मसले का मुनसफाना हल लाने में बेचैन है, लेकिन इस सिलसिले में हालात ज्यादा से ज्यादा बिगड़ते गए हैं। हिंदू मुस्लिम इतिहाद में मैं हिजाने सराहान और महात्मा गांधी जैसी 2 हस्तियों को काबिले एतमाद समझता हूं। उसका कहना है कि दोनों के बीच में जो बार बार झगड़े होते हैं, तो हिंदू की तरफ से मैं समझता हूं कि जो लीडर है वो गांधी है और मुसलमान का जो लीडर है वो सराहान है।
लीग ऑफ नेशन के अंदर इमाम ने बहुत सी खिदमत की, बहुत से काम किए हैं, और उसके बारे में मेमोर्स में तो मैं समझता हूँ कुछ शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं, वैसे बहुत सी किताब है उसके अंदर इमाम ने इसका जिक्र भी किया है। खुद इमाम बहुत अमन पसंद थे, लेकिन उसके बावजूद यूरोप के लोगों के जो ख्याल थे आपस में जरा डिफर कर रहे थे, इसलिए दूसरी जंग अजीम सितंबर 1939 में शुरू हो गई थी। दूसरी जंग अजीम पहली सितंबर 1939 में उस वक्त हुई जब जर्मनियों ने पोलैंड के ऊपर रात के 2 बजे हमला किया था। पहली जंग अजीम की तरह यहां पर भी इमाम ने खुलेआम बरतानिया को साथ दिया, और इस सिलसिले का फरमान इमाम ने अपने मुरीदों को भी भेजा था अफ्रीका और एशिया के लिए। ये जो जंग थी जो 1 सितंबर 1939 में शुरू हुई थी और तकरीबन 28 अप्रैल 1945 तक जारी रही थी, और 28 अप्रैल में जब हिटलर गायब हो गया उसके बाद ये जंग खत्म हो गई। 30 नवंबर 1939 में निजाम दखन के शहजादे प्रिंस ऑफ बिरार जनाब आजम जा बहादुर के हाथ इमाम की तस्वीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आवेदन की गई थी, यानी यूनिवर्सिटी जो थी अलीगढ़ उसमें ये जो निजाम का जो वलीहद था शहजादा था उसके हाथ से ये तस्वीर अलीगढ़ में लगाई गई थी। ये जो फोटो ये जो तस्वीर थी इसको साबिक मेयर सर सुल्तान चिनाई जो बॉम्बे से ताल्लुक रखता था उसने अलीगढ़ को तोहफे में पेश किया था। 1940 में अब इमाम ने खुद मेमोइस में इसका जिक्र किया है कि 1935 से लेकर 1940 तक इमाम के पेट के अंदर तरह तरह के दर्द होते थे, यानी जब भी इमाम दौरे पर जाते तब इमाम को जरा तकलीफ होती थी। आपने स्विट्जरलैंड के अंदर इस सिलसिले में इलाज कराया, उसके बाद आप पेरिस आए और फ्रेंच सर्जन प्रोफेसर फ्रांकोई डी गोडार्ड डी एलई ने आपका ऑपरेशन किया, और इस तरह जिस्म में इमाम ने लिखा है कि जिस्म के अंदर एक खतरनाक जो गांठ थी उसने इस तरह इस ऑपरेशन में निकाल दी। 1943 में प्रिंसेस कैरोन और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के बीच में डाइवर्स हुआ। इमाम ने लिखा है कि हम दोनों आपस में काफी टाइम तक अलग अलग रहते थे, और जब हमारी मुलाकात हुई 43 के अंदर तब हम दोनों ने खुशी से एग्री किया और दोनों मिलकर जिनेवा की एक कोर्ट में गए और वहां पर हम आपस में अलग हो गए। इस तरह इमाम ने खुद डाइवर्स कर दी। उसके बाद 10 अक्टूबर 1944 के अंदर आपकी चौथी और आखिरी शादी हुई थी योटे लेब्रोज के साथ, जिसको हम उमे हबीबा कहते हैं, और ये शादी स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। 18 मार्च 1945 में आप अफ्रीका आए, नैरोबी के अंदर आए थे, और नैरोबी के अंदर दीदार हो रहा था। एक हिस्टोरियन है उसका नाम है जॉन गंथर, और उसने किताब लिखी है इनसाइड एशिया, बहुत सी किताबें लिखी है इसने, इनसाइड अफ्रीका इनसाइड यूरोप, तो इस तरह इसकी एक किताब है इनसाइड एशिया। उस ऑथर का कहना है कि डिजाइनर्स को दो चीज बहुत पसंद थी, एक आइसक्रीम और एक आम, और दुनिया में जितने भी सरबराह थे हुक्मरान थे बादशाह थे उसमें से सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाने वाले डिजाइनर्स थे, और आम इस कदर पसंद थे। वो लिख रहा है कि जब भी कहीं भी जाते हिंदुस्तान छोड़कर तो उसके पीछे एक क्रेट डिस्पैच होता था, बाकायदा एक क्रेट भेजा जाता था। तो 18 मार्च 1945 के अंदर जब आप नैरोबी आए थे दीदार हो रहा था,
तो बॉम्बे के एक इस्माइली ने इमाम के हुजूर में बॉम्बे से आम भेजे थे। इमाम की हुजूर में उसने आम भेजे थे बॉम्बे से। इमाम ने जब आम को देखा तब इमाम की आंखों में से पानी आ गया। इमाम उदास हो गए, इमाम सीरियस हो गए। लोगों ने अर्ज की, खुदावन ये बॉम्बे के फलाने इस्माइली ने आपके लिए आम भेजे हैं, आप इसको खाइए। इमाम ने फरमाया, देखो मुझे आम किस कदर पसंद है जैसे एक बच्चे को टॉफी पसंद होती है, लेकिन ये आम मैं जरूर खाऊंगा, लेकिन अफ्रीका में कभी नहीं खाऊंगा। यूरोप में ले जाऊंगा वहां पर खाऊंगा, हिंदुस्तान में ले जाऊंगा वहां पर खाऊंगा, और जगह पे जहां भी जाऊंगा मैं ये आम खाऊंगा, लेकिन अफ्रीका में ये आम कभी भी अफ्रीका की सरजमीन पर आम नहीं खाऊंगा। अमलदारी ने इमाम से अर्ज की कि खुदाउन इसका क्या राज है, क्या बात है, कोई नाराजगी है? इमाम की आंखों में से पानी टपक रहे थे। तब उसने बताया कि बात दरअसल ये है कि 1899 में जब मैं अफ्रीका का पहला दौरा किया तब मैं सीधा पूना गया अपनी मदर से मुलाकात के लिए, और उससे मैंने इजाजत चाही कि मैं अफ्रीका जा रहा हूं, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाऊं। इमाम ने फरमाया, इस बात को 46 ईयर्स गुजर गए, यानी 46 साल हो चुके हैं। मेरी वालदा ने मुझे इजाजत तो दे दी, लेकिन उस वक्त बॉम्बे के अंदर एक अफवाह फैली हुई थी कि अफ्रीका के अंदर जो आम खाएगा उसको पांव में एक किस्म से दर्द होता है, उसकी बीमारी हो जाएगी, यानी पांव सूजने की बीमारी हो जाएगी। इस सिलसिले में एक अफवाह अफ्रीका से हिंदुस्तान पहुंची थी कि जो अफ्रीका में रहकर आम खाएगा उसको बीमारी होगी। इमाम ने फरमाया कि हालांकि ये अफवाह थी और मेरे वालिदा ने यह अफवाह सुन ली थी, तो मुझे इसने बताया कि अगर तू अफ्रीका जाता है तो मेरे तरफ से इजाजत है, लेकिन तेरी माँ के साथ आज पंजा मिलाकर वादा कर कि जब भी तू अफ्रीका जाएगा आम नहीं खाएगा, जब भी तू अफ्रीका में कदम रख मुझसे वादा कर कभी भी आम नहीं खाएगा। इमाम ने फरमाया कि 46 ईयर गुजर गए हैं और उसकी वफात को तकरीबन 9 साल गुजर गए हैं, ये एक मेज अफवाह थी, लेकिन मैंने जो मेरी माँ से वादा किया उसको मुझे निभाना है, इसलिए मैं अफ्रीका में कभी भी आम नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे आम से नफरत है या मैं किसी की मेहमानी कबूल नहीं करता, लेकिन इमाम ने फरमाया मेरा वादा टूट न जाए मेरी मरहूम वालदा के साथ, इसलिए मैं आम नहीं खाऊंगा। तो इस तरह 16 जून 1945 में आपकी सदारत में ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम की पहली पब्लिक वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, और यहां पर इमाम ने 10,000 शिलिंग का अतिया दिया था। 21 जुलाई 1945 में दार एस सलाम के अंदर आपने एक इजलास किया था जिसको हम इस्माइली मिशन कॉन्फ्रेंस के नाम से याद करते हैं, और यहां पर दीदार वगैरह भी हुआ था। अब हम आ रहे हैं इमाम की तारीखी डायमंड जुबली की तरफ, और इसको जरा हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तारीख उठाकर देखिए, आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लीजिए जिसके 26 वॉल्यूम है, और वर्ल्ड की जितनी हिस्ट्री पढ़नी हो गए आप चेक कर लीजिए कि दुनिया की जब से हिस्ट्री लिखी गई वहां से लेकर आज तक किसी बादशाह को या किसी यानी रानी को या किसी हुक्मरान को हीरे से नहीं तोला गया, किसी को आज तक नहीं तोला। यह वाहिद शख्स है इमाम सुल्तान मूसा जिसको अपने मुरीदों उसके मुरीदों ने यानी इस्माइलियों ने हीरों से तोला था। जगह जगह से इस्माइली आए थे,
और बम्बे के अंदर इस कदर ज्यादा रश थी कि 9 कैंप बनाए गए थे, 9 कैंप, और जहां भी इसमें खाना पीना रहना सहना तिब्बी इमदाद या कोई फर्स्ट एड या कोई किस्म की कोई भी जरूरत हो इस्माइली को, हर किस्म की फैसिलिटी वहां पर अरेंज की गई थी। डायमंड जुबली के मौके पर पूरी दुनिया के इस्माइलियों ने मिलकर 70 लाख जमा किए थे, 70 लाख। उस जमाने के अंदाजे से, उस जमाने के 70 लाख को आप अंदाजा कीजिए कि कितने रुपए होंगे। 8 मार्च बम्बई में दोपहर को मजगाम के नेस्बिट रोड पर वाके है जो आगा हॉल हम कहते हैं, वहां से डायमंड जुबली का एक शानदार जुलूस निकला था। यह जुलूस 1 मील लंबा था और इसको 4 मील तक चलना था। इस जुलूस के अंदर हाथी भी थे और घोड़े भी थे, लोग पैदल भी चलते थे, गर्ल्स गाइड स्काउट सब कुछ थे और हर किस्म की वैरायटी भी थी उसके अंदर। इस तरह ये जुलूस 5 घंटे तक चलता रहा, 4 मील का फासला तय करने के लिए। उस वक्त हजरत इमाम सुल्तान मुशा अपनी फैमिली के साथ स्मॉल कैसिस कोर्ट की गैलरी से इस जुलूस का नजारा कर रहे थे। प्रिंस सदरुद्दीन और प्रिंस सलमान खान चुनारा प्रिंटिंग प्रेस के सामने मोटर के ऊपर खड़े रहकर उस जुलूस की सलामी ली थी। 9 मार्च बम्बई की चौपाटी के किनारे पर आतिशबाजी का प्रोग्राम हुआ था। यह इस तरह हुआ कि सबसे पहले 11 तोपें फोड़ी गई थी और आतिशबाजी के तरह तरह के आइटमें पेश की गई थी। कुल 65 आइटमें थी। आलमोस्ट का मंजर दिखाया गया था, दौरे 70 का मंजर दिखाया गया था, फातमी मंजर दिखाया गया था, इस तरह 65 हिस्टोरिकल मंजर आतिशबाजी के जरिए बताए गए थे। यहां पर तकरीबन 3 लाख लोग जमा हुए थे। इमाम अपनी फैमिली के साथ हैंगिंग गार्डन की होटल में से ये प्रोग्राम देख रहे थे और इस तरह आखिरकार 10 मार्च 1946 में बम्बई के ब्रेब्रोन स्टेडियम में डायमंड जुबली मनाई गई। ब्रेब्रोन स्टेडियम जो है चर्च गेट स्टेशन के करीब है और यहां पर 1 लाख से ज्यादा इस्माइली जमा हुए थे। बहुत से लोग आए थे और जितने भी लोग आते थे सबको प्रिंस अली सलमान खान खुद वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे। बहुत से सरबराहों ने मुबारकबादी के पैगाम भी भेजे थे, मसलन हिंद के वाइसरॉय लॉर्ड बेवल, महात्मा गांधी, मिस्र के शाह फारूक, ईरान के शाह, इराक के रीजेंट और शाम के सदर वगैरह ने। ये जो स्टेडियम बनाया गया था और उसके साथ साथ जो कांटा बनाया गया था यानी तराजू जो बनाया गया था, ये तकरीबन 40,000 रुपए में बनाया गया था। इससे आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर कीमती चीज बनाई थी। डायमंड जुबली की इब्तदा इस तरह हुई कि सबसे पहले कामरिया इब्राहिम राजन मेरली ये शख्स सबसे बड़ा डोनर था और इसने अपने तरफ से 3 लाख डोनेशन में दिए थे। तो कामरिया इब्राहिम राजन मेरली ने अपने हाथ से वो जो हीरे थे जो बुलेट प्रूफ कास्केट में रखे गए थे, तो एक एक जो इसके पैकेट बनाए थे प्लास्टिक के वो पल्लों के अंदर डालता गया, तो एक तरफ मेजरमेंट बता रहा था और इस तरह जब उसने हीरे रखे तो मेजरमेंट ने सबसे पहले बताया
सोरतल, तो पूरे स्टेडियम के लोगों ने तालियां बजाई। उसके बाद उसने रखा तो मेजरमेंट ने बताया 200 रतल, तो लोगों ने तालियां बजाई। फिर आखिर का 240 हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई, और इस तरह 243 और आधा रतल इमाम का वजन डिक्लेयर हुआ। ये जो तकरीबात थी सिर्फ 11 मिनट में पूरी हो गई। तो जितना यहां पर 243 और आधा रतल जो डायमंड थे, इसकी कीमत 3,40,000 ब्रिटिश पाउंड के करीब थी। यहां पर जो जो लोग गेस्ट थे, मेहमान थे, उनमें से ये लोग काबिले जिक्र हैं: निजाम का नुमाइंदा, छतारी के नवाब, बड़ोदरा के चीफ गायकवाड़ और उसकी बीवी श्रीमती सीता देवी, पोरबंदर की महारानी और उसके बेटे, कपूरथला के महाराजा, कश्मीर के महाराजा, नवानगर के जाम साहेब, खम्बाज के नवाब, गोरापुर लाठी और चतन के हुक्मरान, सचिन के नवाब, पालनपुर के नवाब वगैरह। और मौजूद लोग थे सर फाजल भाई, करीम भाई, सर एच पी मोदी, प्राणलाल, देवकरण नानजी, वालचंद, हीराचंद, एम ए फाजल भाई, वाई ए फाजल भाई, ए फाजल भाई। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ये लोग वहां पर मौजूद थे: डायरेक्टर महबूब, कारदार, करेक्टर एक्टर सौराब मोदी जो पारसी है, मेहताब और सरदार अख्तर वगैरह, वजीर एम एच फाजल भाई। उसने तकरीर की इस्माइलियों की तरफ से, और बाद में इमाम ने इसका जवाब दिया, और इस तरह ये तकरीबात शाम 7:15 पर खत्म हुई। तमाम जो हीरे थे और इस्माइलियों के प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इमाम ने सिर्फ एक ही हीरा अपनी याद के लिए रखा था, और इसके लिए इमाम ने एक ट्रस्ट बनाया था, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके अंदर 51 लाख रुपए इमाम ने दिए थे। अब दूसरी डायमंड जुबली अफ्रीका को नसीब हुई, और ये जुबली दारे सलाम में मनाई गई थी। 9 अगस्त 1946 में एक बहुत बड़ी रैली हुई, वॉलंटियर स्काउट, गर्ल गाइड वगैरह थे, इसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम भी थे। यहां पर अच्छे अच्छे कैंप बनाए गए थे, हर कैंप के अलग अलग बैरक थे, हर किस्म की फैसिलिटी भी थी। यहां पर बहुत से लोग भी आए थे। बम्बई में जो इस्तेमाल हुआ था हीरे, जो इस्तेमाल बम्बई के अंदर हुए, तो वही हीरे वहां पर इस्तेमाल हुए, ये आप याद रखना। तो इस तरह दूर दूर से लोग आए थे, और 8 मार्च 1946 की ये बात है, दोपहर का वक्त था, माइक फ्लैग लगा हुआ था एक गाड़ी के ऊपर, और पूरी स्पीड के साथ कैंप के अंदर दाखिल हो गई। लोग हैरान हो गए, गेट पर जो खड़े थे लोग वो पहचान न सके कि इसमें कौन था, लेकिन अंदर जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये इमाम सुल्तान मोशा की गाड़ी थी। फर्स्ट बैरक पर आई गाड़ी, उसके आगे बढ़ी, सेकंड बैरक, थर्ड बैरक और फोर्थ बैरक के दूसरे पार्टीशन के पास ये गाड़ी रुक गई। वहां पर एक चारपाई के ऊपर एक 90 साल का बुजुर्ग हाथ में तस्बीह लेकर सोया हुआ था, उसके पास इमाम की गाड़ी रुक गई। जितने इस्माइली कैंप के थे सब वहां पर आए आगे, लेकिन दूर खड़े रह गए। इमाम गाड़ी से उतरे, उससे कुछ बातें हुई, उसकी आंखों में से पानी आ रहे थे। लोगों ने देखा कि कुछ चीज समझ में नहीं आई, सिर्फ इतना सुना कि इमाम ने उसको खाना आबाद फरमाया। उसके बाद इमाम
गाड़ी में बैठे, गाड़ी ने टर्न लिया, गाड़ी रिवर्स हुई और कैंप से बाहर निकल गई। जितने इस्माइली थे सब दौड़ते हुए इस बुजुर्ग शख्स के पास आए, शाबाशी दी, मुबारकबादी दी कि बाबा आपने तो कमाल किया कि अपनी इबादत की ताकत से मौला को आपने यहाँ पर बुलाया। तो उसने कहा हाथ जोड़कर कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने कोई चीज ऐसी नहीं की, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कोई नहीं किया, यानी कुछ भी नहीं किया, ये जो दीदार मुझे मिला ये आप इस्माइलियों की बरकत से, मेहरबानियों से मुझे भी नसीब हुआ, बाकी मैं कुछ भी नहीं। इस तरह इस्माइली वहां से आहिस्ता आहिस्ता हट गए। वो बुजुर्ग शख्स के बाद लेटा और लेटने के साथ इसके मुंह में से ये अल्फाज निकले, या हाजिर इमाम या मोहम्मद सुल्तान, ये कहकर आलम बका की तरफ उसकी रूह कूच कर गई। दूसरे दिन यानी सॉरी उसी दिन शाम को अमलदारी ने शाम को 6 बजे इमाम के हुजूर में मेहमानी पेश की। जमात खाने में इमाम का प्रोग्राम था। खुदावंद कैंप के अंदर एक मैयत हो गई आज, एक जहीद आपकी हुजूर में पहुंचा है, आप उसके हक में दुआ करो। तब फौरन इमाम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए दुआ की कोई जरूरत नहीं, उसने खुद अपनी हयाती में हमें कैंप के अंदर बुलाया था, वो मरने से पहले हयाती में हमारे नूर के अंदर सजदा हो चुका था, ऐसे लोगों के लिए हमारी दुआओं की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे वाकया रूनमा हुए थे हमारी अफ्रीका की गोल्डन डायमंड जुबली के मौके पर। तो इस तरह 10 अगस्त 1947 में आपकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी, आगा खान जुबली पार्क के अंदर 70,000 इस्माइलियों की हाजिरी में ये तकरीबात हुई थी। यहां पर जो जो लोग आए थे, तांगानिका केन्या युगांडा के गवर्नर, माडागास्कर के गवर्नर जनरल, जंजीबार के सुल्तान के नुमाइंदे प्रिंस अब्दुल्ला, जंजीबार के साबिक बरतानवी रेसिडेंट सर गाय पिलिंग, और उसके अलावा फ्रेंच, बेल्जियम, पुर्तगाल और हिंदी के हुकूमतों के नुमाइंदे भी आए थे। आपको इन लोगों की तरफ से मुबारकबादी के पैगाम मिले। मिस्र के शाह फारूक और रानी फरीदा, मिस्र के शहजादे प्रिंस महमूद, बरतानिया के वजीर आजम क्लेमेंट एडली और मिसिस एडली, साउथ अफ्रीका के वजीर आजम फील्ड मार्शल स्मर्ट वगैरह। यहां पर तकरीबात के अंदर आपका वजन 243 रतन हुआ था और जिसकी कीमत 3,50,000 ब्रिटिश पाउंड के करीब थी। उसके बाद इमाम दारेसलाम में थे, पर दारेसलाम के गांव के अंदर आए, एक छोटे से गांव के अंदर इमाम आए थे। 18 अगस्त 1946 के अंदर यहां पर इमाम आए थे। यहां 150 से 200 इस्माइली की आबादी थी। इमाम ने मेहमानी का काम काज उकलाया। एक बॉम्बे की मेहमानी थी, एक शख्स ने इमाम के सामने अर्ज रखी, उसके साथ इसकी वालिदा थी, उसकी उम्र 90 साल के करीब थी और उसके बेटे की उम्र 75 साल की थी। इमाम के हुजूर में इसने मेहमानी और अर्ज रखी, या मौला ये मेरी वालिदा है, बहुत तंदुरुस्त है, 90 साल की इसकी उम्र हो चुकी है, इसको अपनी जिंदगी की तकरीबन तमाम बातें याद आती है। इमाम ने फरमाया अच्छा, इसको सब कुछ याद है? तो खुदावन मेरी वालदा को सब कुछ याद है, हालांकि इसकी उम्र 90 साल हो चुकी है। इमाम ने फरमाया
तो फिर तुम्हारी वालदा से पूछो कि क्या तुझे तुम्हारी शादी याद है, और उस शादी में कि जब हमने उसे नीले रंग की शाल दी थी वो भी क्या याद है। उसने अपनी वालदा से पूछा, वालदा ने जवाब दिया, मुझे शादी याद है, लेकिन वो भी याद है कि नीले रंग की शाल मुझे दी थी, लेकिन वो तो इमाम हसन अली शाह ने मुझे दी थी। इमाम ने फरमाया कि मैं खुद इमाम हसन अली शाह हूं, मुझ में और इमाम हसन अली शाह में कोई फर्क नहीं। ১৯৪৬ के अंदर उम्मे हबीबा को हाजिर इमाम इमाम सुल्तान मूसा ने माता सलामत का टाइटल दिया था। आपने इसी साल संडे न्यूज बॉम्बे में एक आर्टिकल लिखा तीसरी जंगे अजीम के बारे में, कुछ बातें इमाम ने बताई थी, उसकी एक लाइन में आपको सुनाऊं। माजी की जंगों ने जो पैदा किया है उससे आइंदा आलमी जंग की आफत का मुनासिब अंदाजा निकालकर ऐसी कयास आरई करते हैं कि आखिरी आलमी जंग के मुकाबले में तीसरी जंग अजीम हजार गुना ज्यादा खतरनाक होगी। इमाम ने उस वक्त एक प्रपोजल दुनिया वालों को बताया कि तीसरी जंग अजीम को रोकने के लिए दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनको चाहिए कि एक पीस लीग बनाए, एक पीस लीग कायम करे और सबको दावत दी जाए कि वो सब इसके मेंबर बने। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादी हुई थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादी, इसके अंदर मैंने अगले लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको हिंट दिए, और माशाल्लाह आप लोग अच्छी तरह जानते हो, यहाँ पर बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, उनको मालूम होगा कि इमाम ने कितनी मुसलमानों के लिए खिदमत की, कोशिश की, उसकी सियासी हालत बढ़ाई, इमाम ने उसका उसकी तालीम के लिए कोशिश की, स्कॉलरशिप दी, मदद दी ताकि ये लोग तालीम ले, तालीम के बाद ये लोग बड़े बड़े सियासतदान बने और बाद में फील्ड में आकर अंग्रेजों के साथ आजादी हासिल करें। जगह जगह पे आप इंटरव्यू दे रहे थे, बनाया किसने और सर किसको मिला ये इमाम ने कभी नहीं सोचा। और ब्रिटिश के एक अखबार ने लिखा था कि जिसने बनाया वो यूरोप में है और जो इसमें हिस्सा ले रहे थे आज तक के लिए बागडोर कर रहे हैं। 47 की बात हो रही है, आप चाहते हो तो आप भी पाकिस्तान में उस वक्त आ जाते, 14 अगस्त कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाती आपको। इमाम को इसके पहले उस शख्स ने अर्ज की कि आपको हम गवर्नर कैसे से सिंध में वेलकम करना चाहते हैं, इमाम ने फरमाया कि मैं खुद गवर्नर बनाने वाला हूं, मुझे गवर्नर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं। तो आपने इमाम सुल्तान हुसैन ने जगह जगह इस्माइलियों को ये इशारा किया था कि एक वक्त आएगा ये हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे और पार्टीशन होंगे। गुजराती की एक किताब है आगा खान हीरक महोत्सव ग्रंथ, ये मुंबासा में छपी थी, इसका मुसन्निफ है जे पी रूपानी, उसका पेज नंबर 555 आप जरूर पढ़ना। वो शख्स जे पी रूपानी कहता है कि 13 जून 1928 के अंदर मैं मिशनरी मैगजी बाई मेरेलिक को मिलने के लिए लॉरेंटो मार्कुस, ये जो पोर्टुगीज ईस्ट अफ्रीका का शहर है, वहां जमातखाने में मैं गया था। तो उस वक्त मिशनरी मैगजी बाई मेरेलिक जमातखाने में कुछ लिख रहे थे बैठे बैठे, शाम के 4 बजे थे। ये शख्स मिशनरी था और बहुत आबिद था, इबादत गुजार था, नेक था, उसके साथ मैं बैठ गया
तो मिशनरी मैगजी भाई मेरली ने मुझसे कहा, यानी जेपी रूपानी को कहा कि एक दिन हम सब मिशनरी काठियावाड़ की सुप्रीम काउंसिल के मेंबर के साथ इमाम सुल्तान शाह की हुजूर में हम लोग बैठे हुए थे और वहां पर कुछ गुफ्तगू हो रही थी। इमाम ने उस वक्त फरमाया, गौर से सुनना, मैंने क्या क्या है, क्या करता हूं और क्या करूंगा वो सब मैं जानता हूं। मैंने क्या किया है, क्या करता हूं और क्या करूंगा वो सब मैं जानता हूं। उसके बाद मजहबी गुफ्तगू हुई और बाद में इमाम ने ये फरमान किया, ये मिशनरी वहां पर मौजूद था, सुप्रीम काउंसिल ऑफ काठियावाड़ के मेंबर भी वहां थे। इमाम ने वहां बाद में फरमाया, तुम्हें एक दिन बंबई छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें टेलीग्राम करूंगा कि तुम इस्लामी मुल्क में आओ। उस वक्त जो मेरे सच्चे मोमिन होंगे वो मेरे फरमान सुनकर फौरन हिजरत करेंगे, वो जान व माल की फिक्र नहीं करेंगे। 1928 से भी पहले इमाम ने यह फरमान किया था कि एक वक्त आएगा कि तुम्हें सबको बंबई छोड़ना पड़ेगा, उस वक्त मैं तुम्हें टेलीग्राम से बताऊंगा कि तुम इस्लामी मुल्क में आ जाओ। क्या इशारा अफगानिस्तान की तरफ था इमाम का, क्या ईरान, सऊदी अरेबिया या इंडोनेशिया या सीरिया की तरफ था या मिस्र की तरफ था, कि एक वक्त आएगा मैं तुम्हें टेलीग्राम करूंगा कि तुम इस्लामी मुल्क में हिजरत करना, जो मेरे सच्चे मोमिन होंगे वो उसके ऊपर अमल करेंगे, वो न देखेंगे जान न देखेंगे माल। तो 1928 से पहले इमाम ने इशारा किया था, कोई अल्लामा इकबाल की तरह इमाम ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा था, एक वाकया किताब के अंदर आज तक लिखा हुआ है कि एक इस्लामी मुल्क वजूद में आएगा। और इस तरह 1947 14 अगस्त के अंदर पाकिस्तान को आजादी मिली। अब 17 दिसंबर 1948 के अंदर एक सर्वे करेंगे इमामत का कि यहां पर इमाम की रिकॉर्ड, इमामत का जो पीरियड है इसने तारीख के अंदर एक नया रिकॉर्ड कायम किया, 65 साल अब इमामत हो चुके थे। आपको जैसा मालूम होगा कि हमारे 18 इमाम इमाम मुस्लिम से मिला कि इमामत का पीरियड 60 साल का था। 29 में इमाम शाह कासम अली शाह की इमामत का पीरियड 61 साल का था। 46 में इमाम शाह हसन अली शाह की इमामत का पीरियड 65 साल का था। हजरत इमाम सुल्तान शाह इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 6 जिलकद हिजरी सन 1302 में इमामत के तख्त पर बैठे थे। और इस तरह आज 15 सफर है हिजरी सन 1368, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आपको 65 साल और 9 दिन हुए। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप 17 अगस्त 1885 में तख्त पर बैठे थे और आज 17 दिसंबर 1948 है, 63-64 साल और 4 महीने करीब हुए। आज यानी 17 दिसंबर 1948 में इमाम की 65 साल की इमामत मुकम्मल हुई। हजरत अली की विलादत को आज 1371 साल हुए। उसके बाद 26 दिसंबर 1948 में संडे का दिन था, दुनिया के इस्माइलियों ने इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था, सबसे बड़ी रिकॉर्ड इमामत के सिलसिले में। इसी साल
ईरान के शहंशाह ने आपको हिज रॉयल हाइनेस का खिताब दिया। इसके पहले शमशुल हुमायूं या स्टार ऑफ पर्शिया का खिताब मिला था, इसी साल हिज रॉयल हाइनेस का आपको खिताब दिया था। तो इस तरह आज भी कोई एक घंटा क्लास हुई, लेकिन कुछ रीजन की वजह से आज ज्यादा क्लास न चल सकी। दरअसल आज नए नए चेहरे भी नजर आते हैं और इंशाल्लाह आखिरी जो क्लास होगी अगले मंडे को वो 1948 से लेकर 1957 तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके अंदर प्लेटिनम जुबली भी है और बहुत सी आपने न सुनी हो ऐसी बातें भी मुझे करनी है, और इंशाल्लाह इस तरह कामयाबी के साथ इस क्लास को हम 5 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।